दोस्तों, पवनदीप रंजन के सिंगिंग को तो हम सब देख ही चुके हैं। इस साल इंडियन आइडल के सीजन 12 में भी उन्होंने अपने गाने से सबको दीवाना बना दिया। तो आइए इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी की कहानी जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस चैनल पर इसी टाइप्स की बायोग्राफीज अपलोड करता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पवनदीप का जन्म 27 जुलाई 1996 को हुआ था। इनका जन्म एक उत्तराखंड के एक गांव चंपावट में हुआ है। अभी वो मुंबई में रहते हैं। पवनदीप ने अपने स्कूल की पढ़ाई यूनिवर्सिटी सीनियर सेकेंडरी से की, जो कि चंपावट गांव में ही है। उसके बाद उन्होंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की, जो कि नैनीताल में स्थित है। पवनदीप बस 21 साल के थे जब उन्होंने द वॉइस इंडिया का सीजन 1 का किताब अपने नाम किया था। उन्हें 50 लाख की प्राइस मनी और एक कार दी गई थी। उस समय से वो काफ़ी फेमस होने लगे थे। द वॉइस जीतने के बाद उन्हें एक म्यूजिक कंपनी एल्बम के लिए गाने का मौका भी मिला था। पवनदीप ने कहा था कि द वॉइस में उन्होंने म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ सीखा है। पवनदीप कई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं, जैसे कीबोर्ड्स, ढोलक, गिटार एंड तबला। पवनदीप द वॉइस शो के ऑडिशन स्टार्ट होने के बस 2 हफ्ते पहले म्यूजिक सीखने गए थे। उन्हें म्यूजिक सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि उनके फैमिली में सभी को म्यूजिक का बहुत ज्ञान है। उनके पिता भी एक म्यूजिक टीचर ही हैं। पवनदीप म्यूजिक में अपना फोकस और बढ़ाने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए थे और अभी वह एक फेमस और टैलेंटेड सिंगर हैं। पवनदीप उत्तराखंड के यूथ ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और वो कई अपना म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी पवनदीप रंजन की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।